आज का हमारा टॉपिक है आपका यूनिट सेकंड का पार्ट ए, कंपोजिशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इससे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा था कि इसके सोर्सेज क्या क्या होती हैं, कहाँ से प्राप्त होते हैं और ये क्या फंक्शन कर या क्या कार्य करता है हमारी बॉडी में। तो और आज जो है आपका टॉपिक कंपोजिशन क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मीन्स इसका जो है कार्बोहाइड्रेट जो है किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है और इसकी क्लासिफिकेशन मीन्स वर्गीकरण क्या है। कार्बोज एक यौगिक है, मीन्स कार्बन जो है कार्बोहाइड्रेट एक यौगिक है। इसकी आधार रचनात्मक इकाई फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट शर्करा है। मीन्स जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी जो आधारात्मक जो जिस चीज़ से मिलकर बना है वह शर्करा है। शर्करा मीन्स यहाँ शुगर से है, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के तत्व पाए जाते हैं। ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसमें किस किस के तत्व पाए जाते हैं, कार्बन के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के तत्व पाए जाते हैं। कार्बोज में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन ठीक उसी अनुपात में रहता है जो अनुपात जल में रहता है। जल में जैसे 2:1 रहता है तो इसी तरीके से जो आपका कार्बोहाइड्रेट है उसी में भी 2:1 या 1:2 या 1:1 रहता है इसका। जैसे जल H2O में रहते हैं, इनका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2ON होता है। अब यहाँ पे आपने देखा कि CnH2ON, तो इसका मतलब क्या है, कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बो मीन्स क्या होता है, कार्बन, ओके, और H2O यहाँ पे हाइड्रोजन जो आता है कार्बो हाइड्रेट, हाइड्रेट मीन्स होता है यहाँ पे वाटर, मीन्स जो ऐसे कार्बन जो किस चीज़ से मिलकर बना है, कार्बन कार्बोज से और वाटर से, उसे हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। इनके संगठन में हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन होता है, ये पॉइंट आपका याद रखने वाला है। इनके संगठन में हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन होता है, ये आपके एग्ज़ाम में भी पूछ लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का संगठन किससे होता है, तो ये आपको पॉइंट याद रखना है, इनके संगठन में हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन होता है। इसका ऊर्जा मूल्य 4 कैलोरी प्रति ग्राम होता है, यानी 1 ग्राम कार्बोज लेने पर हमें 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। मैंने आपको पॉइंट पहले भी समझाया था कि अगर हम 1 ग्राम कार्बोज लेंगे तो उससे हमें 4 कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा मिलेगी। सामान्यतः 6 अणु हाइड्रोजन, इसमें कितने हाइड्रोजन के अणु होते हैं, जैसे 6 होते हैं तथा 12 अणु हाइड्रोजन, और 12 किसके होते हैं, अणु हाइड्रोजन के होते हैं। 6 और 12 ये 2 अणु जो होते हैं अलग अलग कंपाउंड होते हैं, ये हाइड्रोजन के होते हैं। इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6 होता है। जब कार्बोज के अणुओं में शर्करा एक ही इकाई में होती है तो उसे एक अणु शर्करा या मोनोसैकेराइड्स कहते हैं। मीन्स जब क्या होता है, जब कार्बन जो होता है इसमें मोनो मीन्स क्या होता है, एक टाइप होता है, ये मोनो मीन्स छोटा या फिर एक, तो यहाँ पे पता लग रहा है कहने से ही कि जो मोनोसैकेराइड्स जो अणु हैं शर्करा की उसकी एक ही इकाई प्रेजेंट रहती है। मीन्स जब हम उसे मॉलिक्यूल को तोड़ेंगे, अगर इसका पार्टीशन करेंगे कार्बन का, तो वो सिर्फ उससे हमें कोई दूसरा कंपाउंड प्राप्त नहीं होगा, तो इसलिए इसे जो है मोनोसैकेराइड्स को क्या कहते हैं, एक अणुई शर्करा कहते हैं। 2 मोनोसैकेराइड्स मिलकर डाइसैकेराइड्स का निर्माण करते हैं, मीन्स अगर 2 मोनोसैकेराइड्स आपस में मिलेंगे तो उसका डाइसैकेराइड्स का निर्माण करेंगे। इसी तरह जब 3 या इससे भी अधिक मोनोसैकेराइड्स आपस में मिलते हैं तो वो पॉलीसैकेराइड्स का निर्माण करते हैं। अब पॉलीसैकेराइड्स में क्या क्या आ गया, जैसे स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टीन आदि पॉलीसैकेराइड्स के अंतर्गत आते हैं। फिर आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, अब यहाँ पे देखिए कार्बोज का वर्गीकरण उसके भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं के आधार पर किया गया है, जो निम्न अनुसार है। भौतिक विशेषताओं के आधार पर क्या क्या है, जो शुगर है, जो शुगर और नॉन शुगर, मीन्स इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, शुगर और नॉन शुगर। रासायनिक विशेषताओं के आधार पर इसके अनुसार कार्बोज को 3 भागों में भी बांटा जा सकता है। अब जो ये आपका जो कार्बोहाइड्रेट है उसके कितने टाइप्स हैं, 3 टाइप्स है, फर्स्ट इज मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। भौतिक विशेषताओं के आधार पर क्या है, जो शर्करा है मीन्स शुगर, ये क्या होता है, स्वाद में मीठी होती हैं, प्रकृति में व्यापक रूप से विद्यमान होती हैं, फल सब्जियों शहद गुड़ शक्कर आदि
इनके प्राप्ति के उत्तम स्रोत हैं। फिर क्या होता है, जल में घुलनशील होती है, इजीली जल में घुल जाती है अगर हम मिलाते हैं चीनी। आप एक एग्जांपल है आपका कार्बोहाइड्रेट का, जब हम चीनी को शिकंजी वगैरह या चीनी को पानी में घोलते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो इजीली चलाने पर आपस में घुल जाती है, रवेदार होती है, ये दानेदार फॉर्म में होती है। अब शर्कराएं क्या कौन कौन सी होती हैं, यह पाउडर रूप में भी उपस्थित होती हैं, स्वाद रहित होती हैं, जल में घुलनशील होती हैं। पेड़ पौधे इनके प्राप्ति के मुख्य साधन हैं। पेड़ पौधे के फल, जड़, बीज, तने आदि में उपस्थित रहता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कार्बोहाइड्रेट जो है, जो पेड़ फल फूल होते हैं और जो फोटोसिंथेसिस से क्या करते हैं, पेड़ जो है अपने जो तने होते हैं और वाटर के द्वारा रिएक्शन करके अपनी जड़ों में जो है कार्बोहाइड्रेट को एकत्रित कर लेते हैं आदि से उपस्थित रहता है। इनमें शर्करा की कई इकाइयाँ होती हैं। इसका सूत्र होता है C6H10O5 होता है। इनका कोई आकार नहीं होता है, मीन्स ये किसी भी फॉर्म में लंबे, चौड़े, पतले, मोटे किसी भी फॉर्म में रहते हैं। अनाज एवं दाल के छिलके, फल एवं सब्जियों के छिलकों के भीतरी भागों में भी यह इजीली पाया जाता है। फिर आपका क्लासिफिकेशन, अब देखिए पहले तो आपको ऐसे समझाया था कि लाइन जो पॉइंट वाइज है, लेकिन अगर आप इसको एग्ज़ाम में इस तरीके से लिखेंगे फ्लो चार्ट में, तो एक तो आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे और आपको ये याद करने में भी आसानी होगी। तो इसमें मोनोसेक्राइड्स है और इसमें ये थ्री टाइप्स दिखाए हैं। इसमें अभी आपको पहले भी बताया मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। अब इन्होंने क्या करा, इनको भी अलग अलग पार्ट में बांट दिया गया है। जैसे मोनोसेक्राइड्स को ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, मीन्स अगर हम मोनोसेक्राइड्स का जो है इसको पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हाइड्रोलाइसिस करेंगे। हाइड्रोलाइसिस मीन्स होता है वाटर का ब्रेक डाउन। अगर हम रिएक्शन करके कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करेंगे तो उसे कहते हैं हम आपका हाइड्रोलाइसिस। तो हमें मोनोसेक्राइड्स के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ठीक है। दूसरा है आपका डाइसेक्राइड्स, ये सुक्रोज हो गया, इसमें माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया। फिर है आपका पॉलीसेक्राइड्स, इसमें आगे आपका स्टार्च, डेक्सट्रीन, ग्लाइकोजन, सेलुलोज और पेक्टिन, ये आपकी क्लासिफिकेशन आती है। फिर है आपका इसमें जो कार्बोहाइड्रेट के प्राप्ति के साधन कौन कौन से होते हैं, ये अभी पहले भी पढ़ा है, लेकिन अभी यहाँ पे जो है मैंने आपको जो कार्बोहाइड्रेट को विभाजित किया गया है अलग अलग पार्ट में, जो बुक जो एक अलग है, जैसे कार्बोहाइड्रेट दो फॉर्म में होते हैं, एक तो मीठे और दूसरे फीके, उसके अंडर में अलग अलग पैराग्राफ में मैंने यहाँ बताया है। तो यहाँ देखते हैं, प्राय सभी भोज्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट युक्त होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के अलावा इनमें एक या एक से अधिक अन्य भोजक तत्वों की भी उपस्थिति हो सकती है। मीन्स कोई ज़रूरी नहीं है कि जो हम फ्रूट ले रहे हैं कार्बोहाइड्रेट युक्त कोई पदार्थ खा रहे हैं, जैसे हमने लिया है आपका आटा लिया है, गेहूँ, और गेहूँ का आटा होता है, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट के अलावा विटामिन भी रहते हैं, फाइबर भी रहता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जो हमने लिया है कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थ तो उसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही हो, उसके अलावा उसमें एक या एक से अधिक भी अन्य भोज्य तत्वों की उपस्थिति भी हो सकती है। कुछ भोज्य पदार्थ जिन्हें ऊर्जा भोज्य पदार्थों के नाम से जाना जाता है, विशेष रूप से कार्बोहाइड्रेट के मुख्य साधन होते हैं। मीन्स ऐसे भोज्य पदार्थ जिनसे हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, हमारे शरीर को ताकत मिलती है, उन्हें हम विशेष रूप से कार्बोहाइड्रेट के मुख्य साधन के रूप में जानते हैं। जैसे विभिन्न अनाज, आटा या रोटी, शकरकंद तथा आलू जो है, निर्धन व्यक्ति मुख्य रूप से रोटियों के द्वारा अपनी ऊर्जा की पूर्ति में के रूप में करते हैं। मीन्स जो गरीब आदमी है वो जो कार्बोहाइड्रेट है किस फॉर्म में अपने डाइट में शामिल करता है, जैसे शकरकंद हो गया, आलू हो गया, रोटी हो गई, अनाज हो गया, इस रूप में वो है अपने डाइट में जो है शामिल करके कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति ईजिली कर लेता है। कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति का साधन बताने के लिए कार्बोहाइड्रेट को दो रूपों में विभाजित कर सकते हैं। अब क्या क्या है इसका, ये एक तो हो गया है मीठे कार्बोहाइड्रेट या शर्करा के रूप में, दूसरा हो गया फीके कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च के रूप में। स्टार्च जो होता है, जो भी आपके फीके जो चीज़ होती है, जैसे आटा हो गया, अनाज हो गया, सोयाबीन हो गया, इन सब में क्या होता है, जो स्टार्च है वो प्रेजेंट रहता है।
अब मीठे कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या आ गया, जैसे शक्कर में शक्कर हो गई आपका, बूरा हो गया, गुड़, दानेदार चीनी, शहद, किशमिश, खजूर, अंजीर, सूखे फल, ताजे फलों में क्या क्या हो गया, जैसे अंगूर हो गया आपका, केला, सेब, आम, चीकू आदि में उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं? कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? ग्लूकोज की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। स्टार्च की उपस्थिति, अब स्टार्च की आप देखिए, आपने पहले दो फॉर्म में बताया, एक तो मीठे और फीके। फीके जो प्रोडक्ट होते हैं कार्बोहाइड्रेट के, उसमें स्टार्च की उपस्थिति रहती है। जैसे क्या हो गया, लाइक अनाज हो गया आपका, गेहूँ, मैदा, अरारोट, साबुदाना, चावल। अब दालें हो गई, दालों में किस किस में प्रेजेंट रहता है? मटर हो गया आपका, लोबिया, सेम, राजमा में प्रेजेंट होता है। अब विभिन्न विभिन्न कंद व मूल भाजियां, जैसे आलू, अरबी, शकरकंद व जिमीकंद तथा विभिन्न सूखे मेवे जैसे बादाम, काजू, मूंगफली व अरारोट स्टार्च युक्त होते हैं। कच्चे केले में भी स्टार्च की उपस्थिति होती है। ओके गर्ल्स, थैंक यू। आज का आपका टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।